मोहित मौर्य है, बात क्या है, बुलाइए सर। मोहित, मोहित। यस मैम। चलो हमारे साथ। क्यों, क्या हुआ? बात करनी है तुमसे। तो यही बात कीजिए ना। यानी थाने में। लेकिन किस बारे में बात करनी है मैम आपको? सुरेश शर्मा के मर्डर के बारे में। पर उससे हमारा क्या कनेक्शन है मैडम? ये तो कॉलेज में पढ़ता है। मैडम मेरी बात तो सुनिए। मैडम, स्पेशल फोर्स लगी हुई है ब्रिजेश पाल के पीछे, तो अपनी तरफ से भी लग जा। किसी भी कीमत में, किसी भी सूरत में हमें ये ब्रिजेश पाल चाहिए ही चाहिए। साहब समझो काम हो गया, इसके सर पे इनाम है, बंदे लोग पक्का मुंह खोलेंगे। शर्मा, इनाम की रकम बढ़ा के 40,000 कर दो। बोलने वाले जल्दी बोलेंगे, शायद ये ब्रिजेश ही अपनी खबर हम तक पहुंचा दे। ब्रिजेश पाल वो है जीजाजी के मर्डर के पीछे, किसने करवाया ये? इतना चौंकने की जरूरत नहीं है कैलाश पाठक। ब्रजेश पाल ने जिस नंबर से फोन करके तुम्हारे जीजा सुरेश शर्मा से फिरौती की रकम मांगी थी ना, उसी नंबर से उसने अगले दिन तुम्हें भी फोन किया था। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स में जो नंबर मिला है वो ब्रजेश पाल का ही था। हमारे फोन रिकॉर्ड में? पर ब्रजेश पाल हमें क्यों फोन करेगा? सुपारी का एडवांस लेने शायद। तुम ही बता दो, वरना ब्रजेश पाल तो बताएगा ही कि सुरेश शर्मा का मर्डर फिरौती का मामला था या फिर सुपारी का। अब हम क्या बोले सर? आप ये मान के चल रहे हैं कि हमने शहर के बाहर मत जाना। वैसे जाने की कोशिश की तो हमारे लिए अच्छा ही है, शक की गुंजाइश यकीन में तब्दील हो जाएगी। वैसे एक प्यादा लगा है हमारे हाथ जिसने शायद ट्रकर दबाया है। चल बोल, किसके कहने पर 4-4 गोलियां दागी सुरेश शर्मा पर? लगभग 8 दिन से तो सुरेश शर्मा की दुकान का मुआयना कर रहा था मीनारगंज मार्केट में। हम मुआयना कर रहे थे मीनारगंज मार्केट के चाय वाले बंसी ने स्टेटमेंट दिया है कि 29 जनवरी से 5 फरवरी के बीच हर रोज शाम को 7 बजे तो उसकी चाय की टपरी पर टपकता और वहीं जमा रहता। मैडम यहीं बैठा रहता था, पर हमारी कोई खास बात नहीं होती थी। मोहित मौर्य नाम है इसका। 5 फरवरी जब सुरेश शर्मा जी पे गोली चली उस शाम भी यहीं बैठा था? हाँ यहीं बैठा था। बिजली गई, गोली चली, तभी यहाँ बैठा था? उस वक्त इतनी अफरा तफरी मची थी कि कुछ याद ही नहीं आ रहा है। नहीं बैठा था। नहीं मैडम जी, गोली चलते वक्त वो यहाँ नहीं बैठा था। नरेन जी, ये गोली चलने के बाद ये बंदा दिखाई नहीं दिया, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। और जब गोली चली थी तब ये बंसी के ठेले पे नहीं थे, तो इसका मतलब गोली इसी नहीं चलाई है मैडम? हम वहाँ चाय पीने जाते थे, इसका मतलब हम किसी के मर्डर का मुआयना करने गए थे क्या सर? क्या मैडम, कुछ भी बोल रहे हो आप। हर चाय वाली की दुकान पे चाय पीने वाला बंदा क्या किसी को गोली चलाने के लिए मुआयना कर रहा होता है? मीनारगंज मार्केट से 13 घर 300 मीटर की दूरी पर है ना। 29 जनवरी से पहले तो तुझे वहाँ किसी ने नहीं देखा, खासतौर से बंसी चाय वाले की दुकान पर। ऐसी क्या खास वजह थी अचानक वहाँ चाय पीने जाने की? वजह है कि वो चाय बेचता है, वजह है कि हम चाय पीते हैं। हमारे यहाँ ना बहुत कड़वी चाय बनती है, अब तू हमें मजबूर मत कर हमारी चाय तुझे पिलाने के लिए। अरे नहीं पीनी है सर आपकी चाय, आप ही पीजिए अपनी चाय। हम बता रहे हैं सर, आपको किसी ने हमारे खिलाफ गलत सलत पट्टी पढ़ाई है। किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई है, बाकायदा नाम लिया तेरा। किसने लिया और क्यों लिया? सिर्फ हम चाय पीने जाते थे इसीलिए। सीधी तरह बोल, जो सुपारी ब्रजेश पाल ने तुझे दी वो सुपारी उसे किसने दी? अब ये ब्रजेश पाल कौन है जिसके लिए मीनारगंज मार्केट में तूने सुरेश शर्मा को ठोक दिया? सर पहले आप लोग ये बताइए कि आपको इस केस में हमें फंसाने के लिए किसने सुपारी दी है? बात को ये गोल गोल मत घुमा, जितना पूछ रहे हैं उतना जवाब दे। गोल गोल तो आप लोग घुमा रहे हो सर, हमारा बाजार में चाय पीने का मकसद कुछ और है। क्या मकसद है? वो पर्सनल है, हम नहीं बता सकते। अरे पर्सनल ही रहेगा, कल के न्यूज़पेपर में छपेगा नहीं। बोल। सॉरी सर, पहले आप लोग ये बताइए कि हमारा नाम किसने लिया? कंचन पता कर, हमारा नाम किसने पुलिस को दिया? ब्रजेश भैया, हमको लगता है असलम ने मुंह खोल डाला, 6 दिन पहले ही सरेंडर कर दिया। भैया वही एक ऐसा बंदा है जो जानता है आपके और सुरेश का बात हुआ था। असलम तो पहले से फट्टू था साला, पुलिस की क्या मूवमेंट है? भैया इनाम बढ़ा दिए आप पे, पूरे 40,000 कर दिए। कंचन हमें यहाँ से निकलना है, हमारे लिए रास्ता तैयार करो फौरन। भैया हम अभी काम पे लग जाते हैं। और भैया भैया सबसे पहले ये नंबर बंद कर दो, कहीं दूर फेंक दो। सही बोल रहे हो, हम रात को तुमको दूसरे नंबर से फोन करेंगे। हाँ कैलाश मामा, आपने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? क्योंकि निखिल हमें ये बात सूझी नहीं, हमें ये बात सूझी ही नहीं कि ब्रजेश पाल इसके पीछे हो सकता है। दीदी आप तो ऐसी शक की नजर से हमें ना देखिए। देखिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि चाल चल रहा है, हम मानते हैं कि ब्रजेश पाल ने हमको फोन किया था। क्यों किया था? अरे यही बात तो इससे हमने पूछा। अरे हमें क्यों फोन कर रहे हो भाई,
हम कहां से पैसे देंगे तुम्हें? कैलाश, तुमसे कौन मांग रहा है पैसा? पैसा तुम्हारे जीजाजी के पास है, उनसे निकलवाओ। हमसे ये नहीं होगा। और हमसे क्या, किसी से नहीं होगा कि जीजाजी से पैसे निकलवाए। तुम्हें यकीन नहीं होता ना, तो तुम उन्हीं को फोन कर लो ना, सब उन्हीं के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। डर का रहे हो बेटा हमको, हां? मतलब साला माहौल क्या बदला, तुम लोगों के तेवर बदल गए। अरे कोई तेवर नहीं बदले भाई, हमारे हाथ में कब क्या था फैसला लेने जैसा। और आपने ये भी बताना जरूरी नहीं समझा कि ब्रिजेश पाल ने पापा को ही फोन किया। क्या पापा ने मना किया था पैसे देने से? हमें नहीं मालूम कि ब्रिजेश ने जीजाजी को फोन किया था या नहीं, हमें तो पुलिस ने बताया तब हमको ध्यान आया। और लेकिन हमें लगता है कि ब्रिजेश ने हमें और जीजाजी को खुद से फोन नहीं किया होगा, उसके पीछे वो जीजाजी के भाई धर्मेंद्र और अश्विनी, उसने करवाया होगा। एक जीजाजी को मरवाने और दूसरा हमें फंसाने। लेकिन कैलाश, ये बात तुमने खुद नहीं बताई, ना हमको ना पुलिस को। हाँ नहीं, नहीं बताई दीदी, क्योंकि हमको ये बात सूझी ही नहीं कि ये बातें जुड़ी हुई है आपस में। एक फिरौती लेने वाला पापा पर गोली चलने के 2 हफ्ते पहले उन्हें फोन करता है और उसके ही अगले दिन आपको फोन करता है, और इतनी बड़ी बात आपको सूझी ही नहीं। देखो निखिल, हम दीदी की कसम खा के कहते हैं कि हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। देख मोहित, जब तक तू हमें ये नहीं बताएगा कि पिछले 1 हफ्ते से तू चाय वाले बंसी के ठेले पर क्यों बैठ रहा था, तू यहां से बाहर नहीं जा पाएगा। सर, एक लड़की है। चल सुना कहानी। कहानी नहीं, सच है सर, हम उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, प्यार हो गया उससे। कोशिश कर रहे थे कि कम से कम पहले फ्रेंडशिप तो हो जाए। हम ड्रॉप कर दें आपको घर। गीता, 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 हमारा नाम मोहित है, हम सीताराम कॉलेज में 3rd year BSc में पढ़ते हैं। गीता सुनो, गीता, गीता, गीता नाम है उसका, नियारगंज मार्केट में रहती है वो, हम उसे देखने उसकी नजर में आने के लिए वहां बैठते थे। उस शाम को जब बिजली गई तो हम चाय की दुकान पे थे ही नहीं, हम तो बस गीता का पीछा कर रहे थे। मतलब स्टॉकिंग? मतलब प्यार, हमारा इरादा नेक है मैडम। गीता मीनारगंज मार्केट में नई नई रहने आई है और पहले दिन से हमारा दिल आ गया उस पर। ट्राई मार रहे थे कि पता नहीं आपको किसी ने कह दिया कि हम मर्डर किए हैं। सर 100% आपको किसी ने गलत टिप दिया हमारे बारे में। गलत काम किया है तूने, हमें एकदम सही टिप दी है किसी ऐसे ने जो बारीकी से स्टडी कर रहा था तुझे। सर हमें तो लगता है हमें बेवजह फंसाया जा रहा है और आप लोग भी झांसे में फंस रहे हो। देखिए सर, हमारा एक लेक्चर ऑलरेडी मिस हो गया है, अगर अभी निकल जाएंगे तो दूसरा लेक्चर मिस नहीं होगा, प्लीज हमें जाने दीजिए। ठीक है जा, लेकिन शहर के बाहर नहीं जाएगा। हम यहीं हैं, ना इस शहर से जा रहे हैं ना हिंदुस्तान से, हमने कोई बैंक से लोन भी नहीं लिया है, हमारा पासपोर्ट भी नहीं बना सर, अब जाएं यहां से। और मैडम, आपने जो स्टॉकिंग की बात कही थी ना, उससे हमें आपत्ति है, क्योंकि हमें लगता है गीता हमें लाइक करने लगी है, हमारी दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। बस आप लोग हमारे बारे में गलत सलत खबर मत फैला देना, नहीं तो हमारा सारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा और बनती लव स्टोरी बिगड़ जाएगी। अब तेरा लेक्चर मिस नहीं हो रहा है जो प्यार हमें लेक्चर दे रहा है। सर, सर जिस किसी ने भी हमें इस मोहित के बारे में टिप दी है वो जरूर मीनारगंज मार्केट का लोकल होना चाहिए, जो ये जानता है कि मोहित वहां रोज आता है। जिस नंबर से हमारी कॉल लाइन पर ये मोहित वाली टिप देने के लिए कॉल आया था, सुशील से कहो उस नंबर की डिटेल निकाले और इस मोहित मौर्या की भी डिटेल को भी निकलवा। असल मैं इस गीता से भी बात करती हूँ। अरे कुछ नहीं है माँ, तुम टेंशन ना लो, हम ठीक हैं। हाँ अभी कॉलेज जा रहे हैं, घर आके बताते हैं सब आपको। ये देखिए मैडम, ये रहा पीसीओ का नंबर जहाँ से कॉल आई थी मोहित की टिप वाली। इस पीसीओ का एड्रेस निकलवाओ, पहुंचो पीसीओ के मालिक तक, पूछो कि कौन था वो जिसने वो कॉल किया था। सर धर्मेंद्र शर्मा और उसकी बेटी अश्विनी के फोन रिकॉर्ड्स में चेक करने जैसा कुछ भी नहीं मिला, जैसे कि एक्सपेक्ट किया था। इन दोनों का ब्रिजेश पाल से कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा। स्पेशल फोर्स की ब्रिजेश पाल पर क्या प्रोग्रेस है? लगे हुए हैं सर, इनाम 25,000 से 40,000 कर दिया है। सर मुझे ये कैलाश पाठक, सुरेश का साला, इसका कोई झोल लग रहा है। झोल में बुबाल आने का वक्त आ गया है अजय। सुरेश शर्मा की स्टेट एजेंसी में पहले का वर्कर कौन था जिसने कैलाश और सुरेश के रिश्ते के बारे में बताया था? मंगल अग्रवाल।
इस मंगल अग्रवाल और कैलाश दोनों को आमने सामने बढ़ाते हैं। आप लोग सिर्फ हमारा नाम ही नहीं, हमारी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। हमारे आप लोगों का भरोसा गवा रहे हैं हम। सर, सुरेश अपनी जान गंवा चुका है। बैठो कैलाश। लेकिन सबूत नाम की चीज नहीं है आपके पास कि हमने जीजाजी को मरवाया। अब तो किसी पर भी भरोसा करने से डर लगता है निखिल। समझ में नहीं आता कौन अपना है और कौन नहीं। जिसने भी पापा को हमसे छीन लिया वो अपना हो ही नहीं सकता माँ। उसका पर्दाफाश होकर रहेगा। जी गीता है घर पे? पुलिस आई है गीता, क्या बात करनी है पुलिस को तुझसे? मुझे कैसे पता होगा माँ? गीता तुम किसी मोहित मौर्य नाम के लड़के को जानती हो क्या? नहीं, हम किसी मोहित मौर्य को नहीं जानते। ये है मोहित मौर्य। ये लड़का कौन है गीता? हमें नहीं पता माँ। मैडम इसे हमने मार्केट में देखा है और एक बार इसने हमारे कॉलेज के बाहर हमें लिफ्ट ऑफर की थी। शायद नाम भी बताया था, मोहित ही होगा। तेरा कुछ चल रहा है इसके साथ गीता? नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम इसने आपसे कुछ और भी कहा है क्या जब इस तरह से हमारे घर चले आए ऐसे सवाल करने? 5 फरवरी को तुम्हारे घर के बाहर एक शूट आउट हुआ था सुरेश शर्मा का। हमारा कोई लेना देना ही नहीं है ना उस हत्या से और ना इस लड़के मोहित से। हम तुम पे कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये लड़का मोहित मौर्य, इसने कहा है कि ये नीचे मार्केट में तुम्हें देखने आता था, तुमसे बात करना चाहता था। गीता माँ अब प्लीज चुप रहिए ना। अभी भी मैं चुप रहूं? हाँ, ये लड़का तेरा नाम जानता था, तुझे बाइक पे बिठाने की बात कर रहा था, तू हमें कुछ नहीं बताती। आने दे तेरे पापा को, सब कुछ बताऊंगी मैं। बता देना सब कुछ। हम आपसे कब से कह रहे हैं हम नहीं जानते इस लड़के को। अगर कोई लड़का हमसे सामने से बात कर रहा है, हमें अप्रोच कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? जन्म कुंडली निकाल ले अब उसकी। और मैडम ये ना आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया, ऐसे अचानक से हमारे घर तक चले आए आप। प्लीज अब जाइए यहाँ से। अरे उसने हमारा नाम लिया तो हम क्या करें माँ? हमारी गलती क्या है इसमें? खामखा एग्जाम के टाइम एक और बकवास टेंशन। हाँ सुशील बोल, मिल गया पीसीओ? हाँ मैडम, वहीं पर हूँ, जिस पीसीओ से मोहित की टिप देने वाली कॉल की गई थी। पता चला किसने कॉल किया था? सोनू राठी ने कॉल किया था, सुरेश शर्मा का मुलाजिम। मुझे पता है सुरेश शर्मा को किसने ठोका है। मोहित मोरे ने उसकी सुपारी ली थी। सोनू। एक मिनट। हाँ सर। नमस्ते मैडम। क्या बोला था तूने? 5 फरवरी को जब बिजली गई थी तू कहाँ था? बताए तो थे मैडम आपको, घर ही गए थे हम। तू चल थाने, तुझे मैं बताती हूँ तू कहाँ था। पर मैडम दुकान पे ग्राहक है, नुकसान होगा दुकान का। नुकसान तो तेरा हो जाएगा, नहीं चले। मैडम जी पुलिस सोनू को उठा के ले गई। चंद्र एक बात बता, तू बड़ा उत्तेजित हो रहा है इस मर्डर को लेके। देख रहा हूँ जब से सुरेश जी का मर्डर हुआ है तू अलग दुनिया में। नंदा जी ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ये सोच रहा था कि कहीं सोनू का तो हाथ नहीं था शर्मा जी के मर्डर के पीछे। मैडम हम सच कह रहे हैं, हम उस रात को घर पर ही गए थे। हाँ तो मैंने कब मना किया, लेकिन कितने बजे? रात के 10 बजे। और मीनारगंज मार्केट में बिजली गुल हुई 7 बजे, तब तो नहीं। मीनारगंज मार्केट से तेरा घर 10 मिनट की दूरी पर है ना, बीच में इतनी देर कहाँ था? मैडम हमने सोनू के घर जाकर उसकी माँ से बात की, उन्होंने बताया कि सोनू 5 फरवरी की रात को दुकान से जल्दी घर नहीं आया था, कुछ रात 10 बजे लौटा था। इस सोनू राठी का फोन रिकॉर्ड और 5 फरवरी का फोन लोकेशन तुरंत निकलवाओ। सुपारी किसने दी, गोली किसने चलाई? ये सर ये मंगल के कहने पर आप 2 और 2 5 समझ लिए। कैलाश जी हम बस इतना कहे थे कि आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है, और सुरेश जी आपको 4 आदमी के सामने डांट देते थे,
और फिर बाद में आपको बहुत गुस्सा आता था। हाँ, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है, लेकिन हमने तुम्हें बोला कभी कि हमें गुस्सा आता था? सवाल ये नहीं है कैलाश कि तुमने मंगल को क्या बोला क्या नहीं बोला, बात यह है कि तुमने हमसे नहीं बोला कि तुम्हें ब्रजेश पाल जैसे नामचीन गुंडे का फोन आया था तुम्हारे जीजा सुरेश शर्मा से पैसे निकलवाने के। हम वो ब्रजेश पाल के जरिए अपने ही जीजा जी का, सर ये मंगल हमारे बारे में कुछ बोल रहा था, इसकी वजह यही है कि 6 महीने पहले इसने हमसे लोन लिया था 1.5 लाख का जो अभी तक लौटाया नहीं है। इसने सोचा कि हम अंदर गए इसको चुकाना नहीं पड़ेगा, ये कमीना है सर। सर काम जा सकते हैं, सब आप जो कुछ भी पूछे हम सब बता दिए, सब बेवजह हमको इस मामले में घसीटा जा रहा है, हम कुछ जानते वानते नहीं है सर। अरे घसीटा क्या गया बच्चे, चुप। अरे मुनीक तरफ आग लगा कर भोला बन रहा है अभी। हमारा पैसा अगर 24 घंटे में नहीं लौटा तूने तो तेरी तो मतलब खटिया कड़ी समझ रहे। मंगल जा तो जा, निकल निकल। सर जब सुरेश जीजा जी थे हमारे हाथ में कुछ नहीं था, अब जब सुरेश जीजा जी नहीं रहे तब भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब खामखा हम पे शक करके हमारी दीदी के सामने हमारा नाक कटवा रहे हैं सर। ना ना ना, हमें तुझ पे शक नहीं है कैलाश, लगभग पूरा यकीन है कि तूने ही अपने जीजा सुरेश शर्मा का कत्ल करवाया। अब तू चाहे कितना भी रो ले कुछ नहीं है तेरे हाथ में, बस ब्रजेश पाल के हाथ लगने की देर है, उसके बाद वो तेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोलेगा, फिर हम तुझे खोलेंगे। लास्ट चांस है तेरे पास, जो भी सच बोलते हैं। इसके बावजूद कि हमारे पास कैलाश पाठक पर शक करने के ठोस कारण थे, हमें उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। अब हमारा ध्यान सुरेश शर्मा के मुलाजिम सोनू राठी पर केंद्रित हुआ। उसने एक बड़ा झूठ बोला था। क्या यह झूठ उस सच की चाबी थी जिसे घुमाने से इस मर्डर का राज खुलता? क्या सोनू ने खुद अपने मालिक सुरेश शर्मा को मार डाला था या हत्यारे की मदद की थी? सोनू मोहित मौर्य का नाम आगे किया ताकि किसी और का नाम अंधेरे में छिपा रहे, 5 फरवरी के अंधेरे में। तो खुद को बचा रहा है या अपने किसी साथी को? अब हम क्या बोले मैडम? सच बोल, सच, चल बोल बोल बोल। सब वो हम उसको कितनी बार मना किए थे कि मत बैठा कर वहां पर। मैं किसे मना किए थे, कहा मत बैठा कर? वो मोहित मौर्य को साहब, और किसे? जब देखो तब पीछे गोल लगाकर हमारी दुकान के बाहर बैठ जाता था। ओ भाई हिंदी समझ नहीं आती है तुमको? दादागिरी नहीं समझ में आती मुझे। अबे कल बोले परसों बोले अच्छी तरह बोले, यहाँ मत बैठा करो, समझ नहीं आती है? अब तुम्हारी जबान में कह रहे फुट लो यहाँ से। क्यों, दुकान तेरे बाप की है क्या? बाप पे जाएगा? रुक, तुझे तेरी नानी याद नहीं दिलाई ना तो हमारा नाम भी सोनू नहीं। अरे सुरेश जी, सुरेश जी जरा देखिए इस लौंडे को। क्या हुआ रे सोनू? अरे कुछ नहीं सर, अपने नौकर को थोड़ा तमीज सिखाइए बात करने की। अबे जाओ, हमको तमीज सिखाएंगे? इतना बड़ा झगड़ा था तेरा उसके साथ, तभी तूने सीधे सीधे मर्डर केस में मोहित मौर्य का नाम आगे कर दिया। सब वो मोहित मौर्य, सब वो वहां से बैठा नहीं रहता था, सब वो तारता था, पता नहीं आगे चल के क्या करता गीता के साथ। एक मिनट, तू गीता को जानता है? जानते हैं, गीता गर्लफ्रेंड है हमारी, लव है। गीता पहले हमारे मोहल्ले में ही रहती थी, फिर उसके पापा और वो सब लोग यहाँ मीनारगंज शिफ्ट हो गए और यहाँ का घर हम ही दिलवाए उन लोगों को। और साहब वो मोहित मौर्य साहब एक नंबर का आवारा लड़का है साहब। वो गीता बताती थी कि उसका पीछा करता था और लिफ्ट शिफ्ट ऑफर करता था साहब उसे। आज फिर हमारे कॉलेज के रास्ते पर खड़ा था, हमसे बोला घर छोड़ दूँ, हमने तो सीधा मुँह मोड़ लिया और चलते बने। फिर उसने पीछे से आवाज़ भी लगाई, शाम में भी कहीं जाने निकलते ना तो साए की तरह पीछा करता है वो हमारा। रे वो साला एक नंबर का। तुम तो रहने ही दो, आज भी वो तुम्हारे दुकान के बाहर आके बैठा था हमारे इंतजार में। भगा तो दिए थे हम उसको डांट के, और वो साला एक नंबर का चिपकू लगता है। हमको ना ऐसी कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, बस मौका हाथ लगने दो हमारे। कुछ ऐसा करेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लाठी तो टूटेगी लेकिन तेरी हड्डियां तोड़ते तोड़ते टूटेगी। हड्डियां हमारी नहीं, उस मोहित मौर्य की टूटनी चाहिए सब। जो लड़कियों को गलत नजर से देखता है, उनको परेशान करता है, उनके पीछे जाता है सब। ऐसे ही लड़के तो आगे जाके रेप शेप करते हैं सब। और जो दूसरों को कत्ल के केस में फंसाते हैं वो खुद कातिल होते हैं। बोल
सुरेश शर्मा का मर्डर करने के लिए सुपारी तुझे ब्रजेश पाल ने दी थी ना? कौन ब्रजेश पाल? मैडम हम किसी ब्रजेश पाल को नहीं जानते, और हम हमारे साहब का कत्ल क्यों करेंगे? सुरेश जी बाप समान थे हमारे, सब नमक खाया हमने उनका। अबे ओ वफादारी के पुतले, तो फिर तू अपने मालिक को अंधेरे में अकेले में ठुकने के लिए छोड़कर 3 घंटे के लिए कहाँ गायब हो गया था? साहब हम गीता के साथ थे साहब, वो मोहित उसे परेशान कर रहा था तो हम सोचे कि एक बार पुलिस की मार पड़ेगी तो अकल ठिकाने आएगी उसको। यहाँ हम मर्डर केस की तहकीकात कर रहे हैं, मर्डर केस की, और तू साले उसमें अपनी पतंग उड़ा रहा है। गलती हुई थी साहब। तो शाम तो गीता के साथ था, इस मर्डर में गीता भी तेरे साथ है? नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत बोलिए, गीता का नाम खराब होगा, वो तो बस स्टूडेंट है। मोहित को फंसाने के लिए इसने उसका नाम आगे किया, तो हम इसका और गीता का नाम सामने रखते हैं? नहीं नहीं साहब, हम दोनों को बलि का बकरा मत बनाइए साहब। सब हो सकता है कि अगर असली मुजरिम हाथ से छूट जाए तो बाजार में फिर फायरिंग होगी। सब हम सॉरी कहते हैं साहब, हमने आपको रॉन्ग कॉल किया, पर साहब आप तो रॉन्ग कॉल मत करिए, भगवान कसम हमने कुछ भी नहीं किया साहब, सच कह रहे हैं। सर सभी संदिग्धों के पीछे लोग लगा दिए, उनके फोन भी टैप हो रहे हैं, पर अभी तक सब कुछ नॉर्मल है। गैंगस्टर ब्रजेश पाल पर क्या खबर है? सर स्पेशल फोर्स और गुरु खबरी दोनों लगे हुए हैं, लेकिन ब्रजेश पाल पर अभी तक कोई भी टिप नहीं है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह पर रेड अलर्ट नोटिस जारी किया। कमाल है, ब्रजेश पाल मिस्टर इंडिया हो गया क्या? सर मैंने गीता से बात की उसके कॉलेज के बाहर, उसे कंफर्म किया कि 5 फरवरी की रात को सोनू से मिली थी, दोनों के फोन लोकेशन भी मैच कर रहे हैं। अगर ब्रजेश पाल ने खुद ठोका है सुरेश शर्मा को, तो या तो रंगदारी मना करने का बदला लिया है, या सुरेश शर्मा का छोटा भाई धर्मेंद्र शर्मा, या सुरेश शर्मा का साला कैलाश पाठक, या सुरेश शर्मा का बिजनेस राइवल आदर्श पांडे, इनमें से कोई मास्टरमाइंड है, और सुपारी दी गई थी ब्रजेश पाल को। साहब हमारा नाम कंचन है और हमारे पास ब्रजेश पाल का टिप है, लेकिन आपको सबसे पहले हमको 40,000 रुपए देने पड़ेंगे इनाम के। सही पता बताने के बाद मिलेंगे इनाम के 40,000 रुपए। अभी एक सेकंड भी वेस्ट मत कर, ब्रजेश पाल का पता बता दे, वरना तेरे नाम का पोस्टर बना दूंगा मैं। साहब वो एक लल्लन है, यहीं पास के गांव में रहता है, उसी के घर में छुपा हुआ है ये ब्रजेश पाल। ललन मिया, अपने दोस्त ब्रजेश पाल को बोलो पीछे की खिड़की से भागे, दो लोगों की रिसेप्शन कमेटी बैठी वहां पर। ब्रजेश मिया, ब्रजेश मिया। हाँ ललन। ब्रजेश पाल कैसे चलोगे, लेट के या चल के? चले चलेंगे ना साहब, जैसा आप बोलेंगे वैसे चलेंगे। आपको हमारा नाम कंचन ने बताया ना, उसी की वजह से अंदर जा रहे हैं, है ना? तुम अंदर नहीं जाओ, नहीं अब बाहर आओ। अब ऐसा मत बोलिए साहब, ये दोनों पंटर, ये असलम बेग और कंचन, हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हैं साहब। वो असलम बेग जिसने खुद को सरेंडर करवा के हमारा नाम उगल दिया, और वो कंचन छुपाने के बहाने पकड़वा दिया, अब इनाम की रकम दोनों आधी आधी बांट लेंगे। हेलो विक्रम, आ गया तुम्हारा पार्सल, सेम डे डिलीवरी। आजा भाई आजा, त्रिपाठी डालो गाड़ी में। दिनेश अभी के लिए हम इसे अरेस्ट नहीं दिखाने वाले हैं, बाद में देखते हैं जरूरत पड़ती है तो। साहब लेकिन साहब थैंक्स साहब, वेलकम। बाइक का बंदोबस्त कर फटाफट। बाइक क्यों साहब? अरे इंतजार कर, सब्र कर थोड़ा, पहले बाइक आएगी फिर तू उस पर भागेगा, उसके बाद हम बाइक में पेट्रोल डालेंगे। शुक्ला पतकड़ी खोल दो इसकी।
सब 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 आप जो पूछेंगे हम बताने को तैयार हैं, हम आपके हाथ जोड़ते हैं साहब। सुरेश शर्मा का मर्डर किसके कहने पर करवाया, शूटर कौन था या थे? ये तीन संदिग्ध थे हमारे पास, इनमें से मास्टरमाइंड कौन है साहब? इनमें से कोई एक नाम बोलेंगे आप हमें छोड़ देंगे। पूरी केवाईसी इधर ही करेंगे फिर देखेंगे। सजी त्रिपाठी बोल रहे हैं बाइक नहीं मिल रही, स्कूटर चलेगा क्या? अरे साइकिल भी चलेगी, हमें कौन सी रेस लगानी है? अरे साहब साहब हमने फोन किया था साहब, सुरेश शर्मा को फोन किया था और उसके साले को भी फोन किया था साहब, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ साहब। हम फोन करते रहे, हमने पहले भी फोन किया साहब। अबे अब तू का लव स्टोरी सुनाने वाला है हा? साहब हम ये कह रहे हैं हमने धमकी नहीं दी साहब, हमने पैसे मांगे थे साहब। अब माहौल ही ऐसा हो गया साहब, कोई आसानी से पैसा देता ही नहीं है साहब, तो हमने फोन करके पैसे मांगे थे साहब, लेकिन प्यार से मांगे थे। 15 लाख किस खुशी में? बात सुरेश जी, माहौल इतना बदल गया है कि आप पूछ रहे हैं किस खुशी में? हमारे पास 15 लाख रुपए नहीं है तुम्हें देने के लिए। देखिए सुरेश जी, हम कई बार काम आए हैं आपके, आपसे पुराना रिश्ता है भाई। अरे यार आगे कभी हाथ खुले होंगे तो सामने से बुला के तुम्हें दे देंगे हम, इस वक्त नहीं है मतलब नहीं है। कैलाश तुमसे कौन मांग रहा है भाई पैसा? पैसा तुम्हारे जीजाजी के पास है, उनसे निकलवाओ। हमसे ये नहीं होगा, हमारी तरफ से एक बार बात करो उनसे। तुम खुद ही बात कर लो, हमें तंग मत करो। चलो कैलाश, अब तो हर कोई पैसा देने से मना कर रहा है, तो क्या सबको मारते मरवाते फिरेंगे? 4 महीने से कोई काम हाथ में नहीं उठाया साहब, हम तो यहां तक सोच रहे थे साहब अज्ञात काल करके खुद को सरेंडर करवा देते हैं, कम से कम इनाम का पैसा तो खुद उठा लेंगे। लेकिन ये असलम और कंचन, इन्होंने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया साहब। साहब हम सच कह रहे हैं साहब, हमें किसी ने सुरेश शर्मा के मर्डर की सुपारी नहीं दी साहब, ना ही हमने खुद से उसे मारा है साहब। और आप सोचिए हमें क्या मिलता मर्डर करके साहब, हमने ऐसे मर्डर किया होता, हमने सुपारी ली होती तो इतनी आसानी से गोभी के फूल की तरह आपके हाथ लग जाते हम। अजय ये इतना अच्छा बच्चा है, इसने कुछ नहीं किया, फिर तो हमारे किसी काम का नहीं है, फिर तो इसे रस करने का भी कोई मतलब नहीं बनता सर, वैसे भी स्कूटर आई है। चलो भाई बैठा बैठा साहब। अरे एक मिनट एक मिनट साहब, साहब आप हमको वो गन बता दो, कौन सी गन इस्तेमाल हुई है सुरेश शर्मा के मर्डर में, हम आपको बता देंगे शूटर ने वो गन कहां से खरीदी होगी। अच्छा तो ये पता है तुझे? .33 बोर की गन इस्तेमाल हुई थी क्या? तुझे ये भी मालूम है? नहीं साहब, खाली हमको इतना पता है कि .33 बोर की गन हाल ही में 1 फरवरी को बेची गई है। किसे बेची, किसने बेची? रवि ने बेची थी साहब, किसको बेची थी नहीं मालूम। रवि बंसल, वो गन सप्लायर? जी हाँ साहब। सर इस रवि की भी अच्छी खासी हिस्ट्री है इसकी तरह, रवि बंसल ने किसको गन बेची थी? साहब ये हमको नहीं पता साहब, ये रवि बंसल को भी नहीं पता साहब कि खरीदने वाला कौन था, लेकिन किसके कहने से रवि बंसल ने वो गन बेची थी ये उसने हमको बताया था साहब। क्या बताया साला, अभी इतना महीना के सूखा के बाद कल जाके थोड़ा सा कमाई हो जानते हो? कहाँ से भाई, हमारे लिए भी कुछ है क्या उसमें? खरीदने वाला कौन था यार? हम तो आदमी का नाम तक नहीं पूछे। तौफीक ने बेचा है वो 1.33 बोर की गन और 6 गोलियां चाहिए। और तौफीक कहाँ है अभी? गधे की शादी में गया। तौफिक का पासवर्ड गधे की शादी। अरे भैया मालूम कैसे चलेगा ऐसे माहौल में कि कौन साला ग्राहक है, कौन पुलिस का भेजा हुआ यमराज है। अच्छा एक बात बताओ, गेम बच किस का रहा है, मतलब कुछ उपाय हो? ऐसे माहौल में ना आंख नाक कान मुंह सब बंद रखने में भलाई है। अरे बोल तो रहे खरीदने वाले का नाम तक नहीं पूछे। सर पक्का वही गन इस्तेमाल हुई है सुरेश शर्मा के कत्ल में, क्योंकि अभी 3 दिन पहले रवि खोली खाली करके गायब हो गया। हम गए थे उसके घर पूछने कि इस केस में असलम ने हमारा नाम आगे क्यों किया। ये तौफीक कौन है जिसके कहने पर रवि बंसल ने उस आदमी को गन बेची? तौफीक हिस्ट्री शीटर है साहब। तौफीक गधे की शादी में गया है, क्या मतलब है इसका? तौफीक जेल के अंदर गया। तौफीक का पूरा नाम क्या है? तौफीक पठान, उसका एक जोड़ीदार भी है अमित जायसवाल, दोनों अंदर है साहब। किस केस में? कोई केस नहीं है साहब, अभी 3 महीने पहले जब से आपके लोगों ने धरपकड़ शुरू की है, हमारे लोगों की लाशें बिछाना शुरू की है, दोनों ने खुद को सरेंडर कर दिया। कहाँ सरेंडर किया? काली माता पुलिस चौकी साहब।
ए उठो, चलो निकलो दोनों बाहर। अरे क्या हो गया साहब? अरे हम लोग ठीक है, खुश है यहाँ पर। हाँ साहब, हमको जमानत वमानत नहीं चाहिए। अबे जमानत नहीं हो रही है तुम्हारी, गधे की शादी का मुहूर्त निकला है, बराती हो तुम दोनों, भूल गए क्या? सुरेश शर्मा की सुपारी किसने दी थी? गन खरीदने किसको भेजा था रवि बंसल के पास? वो शूटर कौन है? अबे ओ, तुम दोनों की जरूरत किसी को भी नहीं है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं। साहब हम टिप देंगे तो हमको कुछ इनाम तो मिलना चाहिए ना। साहब साहब गुस्सा क्यों हो रहे हैं? टिप क्या, हम तो केस का पूरा नक्शा खोल के रख देंगे आपके सामने। हाँ बस एक बिना सिम वाला मोबाइल दिलवा दीजिए ना। देखिए ये साला अमित तो पत्ता खेल के अपना टाइम पास कर लेता है, हमको वीडियो गेम खेलने का बुरा लत है। अबे तू तो ते... ठीक है दिया। साहब इस काम का कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं लिया था, हमने सिर्फ प्लानिंग करके दिया था साहब। अबे वो वीडियो गेम नाम बोल नाम, वरना जेल में भी साइलेंसर के साथ गोली चल सकती है। साहब मार्केट में नया लौंडा आया है, उसका कोई खास हिस्ट्री नहीं है, इसीलिए आपके नजरों में नहीं आया होगा। हमारे लिए छोटा मोटा काम कर चुका है पहले, वही ये मसला लेकर आया था हमारे पास। सीधे सीधे नाम बोल तौफिक। विमल, विमल भाटी। विमल ये सेठ का रूटीन एक बार फिर बताना जरा। सिंहपुर अपने घर से निकला, सुरेश शर्मा अपनी फैक्ट्री गया नॉर्थ एंट्रेंस पर, और इसके बाद वहाँ से राधे श्याम चौक वाली दुकान पर, और फिर दोपहर में आउटर सिटी अपने रियल इस्टेट के ऑफिस में, और वापस शाम में मीनारगंज की दुकान पर। राधे श्याम चौक कैंसिल क्योंकि वो पॉश एरिया, और वहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरा गिद्ध की तरह मंडराते रहते। सुरेश शर्मा के प्रॉपर्टी वाले ऑफिस के बाहर भी सीसीटीवी कैमरा है। मेरे ख्याल से मीनारगंज ही सही रहेगा। हमने एक बार वहाँ का मुआयना किया, हमें कोई सीसीटीवी दिखी नहीं अभी तक। वहीं ठोक दे, भीड़ भी बहुत होती है और खिसकना भी आसान है। दुकान में एक और बंदा है उसका हेल्पर। तो थोड़े और पैसे ले ले और उसको भी ठोक दे। हमारी जुबान में ऐसे बंदे को मजबूरी का मुर्गा कहते हैं। ठीक है अमित भाई, लेकिन तौफिक भाई वो गन भी चाहिए होगी। साहब विमल को हमने गन सप्लायर रवि बंसल के यहाँ भेजा था, वहीं से गन लिया होगा विमल ने, क्योंकि गोली चली थी ना। विमल भाटी को सुपारी किसने दी थी? कुछ पर्सनल था ऐसा बता रहा था विमल। क्यों अमित? हाँ वो रियल इस्टेट एजेंसी है ना सुरेश शर्मा की, उसी का कुछ मामला था। कैलाश सुरेश शर्मा का साला, उसने सुपारी दी थी क्या विमल भाटी को? कैलाश, यही नाम लिया था क्या विमल ने? पर ठीक से याद नहीं है साहब। मीनारगंज मार्केट में बिजली गुल करने का आइडिया तुम दोनों का ही था? नहीं तो क्या विमल भाटी ने खुद से बिजली गुल कर दी थी? पता नहीं साहब, लेकिन उसने अगर किया हो तो उसको मेडल मिलना चाहिए हमारी सुपारी बिरादरी से। क्यों? विमल भाटी का फोटो है तुम्हारे पास? कहाँ से होगी साहब, मोबाइल होता तो बात बनती थी, इसलिए तो कह रहा था कि मोबाइल मिल जाता तो। विमल भाटी कहाँ मिलेगा? खोली तो दो दो महीने में बदल लेता है साहब। हाँ लेकिन चाय पीने वो एक जगह हमेशा जाता है, गफूर भाई की चाय की दुकान पर, वो हरिश्चंद मोड़ पर। सर इस गफूर चाय वाले के फील्डिंग लगा देता हूँ। कैलाश पाठक को भी उठा लो, हमेशा कहता रहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। दिखाते हैं इसको कि हमारे हाथ में डंडा है और पैरों में जूते। अरे बस भी करो सर, बार बार हमें उठाकर हॉट सीट पर क्यों बिठाते हैं आप? इस बार हॉट सीट पर नहीं, तवे पर बिठाएंगे तुझे, और उसके बाद तंदूर के अंदर। अरे सर लेकिन हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमने नहीं मारा तुझे। गफूर जी, मैं वहां पीछे स्कूटर पर बैठी रहूंगी, जैसे ही वो विमल भाटी आता है यहाँ पे चाय पीने, वहाँ सड़क पे बढ़ के एक प्याली चाय गिरा देना। जी लेकिन दो दिन से वो यहाँ आया नहीं है विमल। कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। एक तो हमने ये विमल भाटी का नाम पहली बार सुना, और ये जो दो कैदियों के नाम आपने बताए, जो तौफिक और जो भी, उनको भी हम नहीं जानते सर। रवि बंसल को भी नहीं जानता? सवाल ही नहीं है सर, हम सिर्फ इतना जानते कि वो जीजाजी का भाई धर्मेंद्र शर्मा, उसकी जबरदस्त चाल है हमें फंसाने की, और आप फंस रहे हैं उसके झूठ के जाल में सर, इसलिए आपको हर जगह हमारा ही नाम मिल रहा है सर। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है सर। पहले हमें ब्रजेश पाल की तलाश थी, अब हमें विमल भाटी की तलाश है। वही बताएगा तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या नहीं है। कौन विमल सर? क्या बोल रहे सर आप, हमारी बात तो सुनिए सर। बराती की खातिरदारी करना, इसे इतना खिलाना, इतना खिलाना कि ये उल्टी करते विमल भाटी का ठिकाना। गलत कर रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं सर।
आप सर बहुत भारी गलती कर रहे हैं सर, हम निर्दोष हैं, बोल रहे हैं सर। दो दिन दो रातें हर सख्त पैंतरा अपनाया हमने, फिर भी कैलाश पाठक अपने बेगुनाह होने की दुहाई देता रहा। सर गन सप्लायर रवि बंसल को ढूंढने के लिए गुरु की पूरी टीम लगी हुई है, पर अभी तक कोई लीड नहीं मिली। कफूर चाय वाला, हमारी टीम घात लगाए बैठी है सर, बस विमल भाटी के आने की देर है। विमल भाटी का ना हमें ठिकाना मिल रहा था, ना ही वो गफूर की चाय की दुकान पर आया, ना उस दिन, ना अगले दिन, ना उसके अगले दिन। पर हमने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी, हमारी टीम वहीं टिकी रही और पांचवें दिन सब्र का फल मिला। विमल भाटी विमल भाटी उस शख्स का नाम लेने जा रहा था जिसके लिए उसने सुरेश शर्मा का कत्ल किया। जब विमल ने वो नाम लिया हम सब दंग रह गए। जो शख्स सुरेश शर्मा की हत्या करवाना चाहता था उसने पूरी साजिश बारीकी से रची थी। उसने विमल भाटी के साथ पूरे मीनारगंज मार्केट का 3-4 दिन मुआयना भी किया था। कत्ल की रात को पूरे मीनारगंज मार्केट में बिजली जाना महज एक इत्तेफाक था। इतना याद रखना, गोली चलते ही बाउटन मार के निकलना है, चेक करने की जरूरत नहीं कि जिंदा है मर गया, इतना लोहा दागेंगे कि बचेगा नहीं। जब विमल भाटी ने सुरेश शर्मा पर 4 गोलियां चलाकर उसे ढेर कर दिया तब इस कत्ल का मास्टरमाइंड विमल भाटी के बगल में ही खड़ा था। बाजार में छाया अंधेरा शूटर और मास्टरमाइंड दोनों के लिए एक तरह से मददगार साबित हुआ। वो आसानी से उसी रास्ते से निकल गए अंधेरे में जहां से वो आए थे। इस कत्ल का मास्टरमाइंड पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई बार हमारे सामने आया था, पर हमने उस पर रत्ती भर का शक नहीं किया था। आपका चाहिए सर। तेरा दोस्त विमल भाटी तुझे याद कर रहा है, चल मिलवाएं तुझे, ले चलो। अरे अरे साहब क्या हुआ सर, साहब मेरे बेटे को छोड़ दो साहब। ऐसा भी नहीं था कि इस कत्ल की वजह हमारे कानों पर नहीं पड़ी थी, वजह कैलाश पाठक ने बातों बातों में बता दी थी कि 6 महीने पहले इसने हमसे लोन लिया था 1.5 लाख का जो अभी तक लौटाया नहीं है। मैंने दोस्ती के लिए मर्डर किया, दोस्त है मेरा मंगल अग्रवाल। मंगल अग्रवाल जो सुरेश शर्मा की स्टेट एजेंसी पर काम करता था वो? हाँ। मसला क्या था? बिजली। अबे मंगल 1.5 लाख रुपए ना उनके लिए हाथ कमा ले, और तुम कौन सा लेके भागे जा रहे हो? उनसे बोल दो कि थोड़ा टाइम लगेगा, दे जरूर देंगे। अमीर लोग का दिल इतना बड़ा होता ना तो लोग शायद इतना अमीर होते ही नहीं। अब क्या बताएं तुमको, इतना घटिया तरीके से हमारी बेइज्जती करता है ना, जैसे 1.5 लाख रुपए उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल हो। कैलाश पाठक कैसे की तैसे तो मुल्क दांत तोड़ के सारे के हाथ में दर्द है। हम कैलाश पाठक से लोन लिए वो तो हमको हक से गाली सुनाता ही है, लेकिन वो साला सुरेश शर्मा, उसका कोई लेना देना नहीं है उस लोन से, लेकिन वो भी हमको उल्टा सीधा सुनाता है। दम नहीं था तो लोन लिया क्यों? साले तूने बोला था 3 महीने में लौटा देगा सूद समेत, 4th महीना हो गया है, 1 पाई नहीं लौटाई तूने। अरे मालिक, बहन की शादी के लिए हम लोन लिए थे, अब अचानक से लड़के वाले सब डिमांड बढ़ा दिए, इसलिए सब गड़बड़ हो गया। शर्म नहीं आती तुझे बहन को आगे करते हुए साले नमर्द? औलाद, अरे सेठ जी गाली काहे दे रहे हैं? शुक्र कर जूता नहीं उतारे अभी तक, हमारे पैसे नहीं मिले तो नंगा करके बाजार में बिठा देंगे तुझे। लोन दिया था तुझे, खैरात नहीं ये छोटे लोग समझते हैं हमारे पैसों के पेड़ हैं, जैसे आम चुराते वैसे पैसे चुराएंगे ये लोग। अबे घूर क्या रहा है कमीने, एक एक पैसा वसूलेंगे हम तुझसे, चल निकल यहां से, दफा हो। क्यों नहीं बुलाया जीजा जी को? कैलाश जी हम आपसे लोन लिए थे ना, तो फिर सुरेश जी को बीच में घसीट के हमारी इतनी बेइज्जती काहे करवा रहे हैं? वो 1.5 लाख हमारे अपनी जेब से नहीं आए थे, वो जीजा जी के पैसे हैं, और तो पैसे लौटा नहीं रहा है इसलिए अब तक हम गाली खा रहे थे, अब तू डायरेक्ट खा। कल तो हद ही हो गई विमल, वो साले सुरेश ने
हमारे बाबूजी को ऑफिस में बुला लिया। क्यों मैं संतोष, बेटी की शादी करने की हैसियत नहीं थी तो थोड़ा इंतजार कर लेता, या फिर अपनी औकात के हिसाब से लड़का ढूंढता कोई। मालिक, मंगल बता चुका है आपको, आखिरी वक्त में लड़के वालों ने। अबे सुन चुके हैं बकवास हम पहले भी, कल को लड़के वाले फिर कोई मांग करेंगे और मंगल झोली फैलाता हुआ आएगा हमारे पास। तू मंगल को बोल जब तक हमारे पैसे लौटाता नहीं है घर के कागजात गिरवी रखते, वरना केस कर देंगे दोनों बाप बेटे पर। हमने गुस्से में नौकरी छोड़ दी तो हमारे पीठ पीछे हमारे बाबूजी को बुला के उनकी इतनी बेइज्जती की है। जी तो करता है साले को बीच रास्ते में बुला के ना जूते से मारे। जूता नहीं गोली। बात तुम तक थी तो ठीक थी, बाबूजी की बेइज्जती, वो भी सलाड सिर्फ 1.5 लाख रुपए के लिए। अबे ठोकना तो बनता ही है। मंगल पैसा लौटा देता साहब, पर नहीं, गिद्ध के जैसे उसके पीछे पड़े थे। 1-1 लाख रुपए के 2-2 मोबाइल लेकर चलते हैं, 10-10 हजार रुपए का बिल पड़ता था होटलों में बिना डकारे, और सिर्फ 1.5 लाख रुपए के लिए उनकी जान निकली जा रही थी। तो हमने भी जान निकाल ली साले की, उनसे बेहतर हैं हम, सच बता रहे हैं आपको। गन और गोली का पैसा ना अपनी जेब से भरा है। मंगल अग्रवाल ने अपना जुर्म कबूल किया, उसी ने विमल भाटी के साथ मिलकर सुरेश शर्मा की हत्या की साजिश रची थी। सुरेश शर्मा की हत्या क्यों हुई ये जानकर उनके परिवार को काफी शौक लगा। जो 1.5 लाख रुपए आने बाकी थे उन पैसों के बिना उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर सुरेश शर्मा की जान जाने से जो उन्होंने खोया उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। मंगल अग्रवाल के साथ साथ उसके परिवार ने भी बहुत कुछ खोया है। मंगल अपने परिवार का सहारा था, अब उस पर एक मुजरिम होने का दाग लग गया है। लिया गया लोन, दी गई गालियां, उसके चलते खून का खोलना, बेइज्जती का बदला लेने का प्लान बनना, ये सारे पहलू मिलकर चार्जशीट में ये जुर्म क्यों हुआ इसका पुष्टिकरण करते हैं। दुख की बात यह है कि कत्ल जैसे संगीन जुर्म का रास्ता एक तरफा है, जुर्म के बाद वापस लौटकर गलती सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। फिर भी इस जुर्म का जो क्यों है उसे बारीकी से स्टडी करना बेहद जरूरी है। जब सर पर गुस्सा सवार होता है, ठगे जाने का आक्रोश उमड़ रहा होता है, बेइज्जती का दर्द तड़पा रहा होता है, तब जरूरत होती है एक ब्रेक की, रुककर सोचने की कि क्या किसी को छोटा महसूस कराने में, उसकी इंसल्ट करने में, उसके अपमान को अपना बदला समझने में कोई समझदारी है। कहीं ये अति तो नहीं हो रहा, क्या संयम की लकीर पार हो चुकी है। स्थानीय लेवल की अराजकता पर अंकुश लगाना हमारा यानी प्रशासन और व्यवस्था का दायित्व है। हमारा फर्ज है कि हम मुजरिमों में कानून का डर पैदा करें ताकि आम नागरिक बेखौफ होकर जिए, पर उस अराजकता का क्या किया जाए जो अक्सर आम नागरिकों के दिलो दिमाग में पनपती है। उस आवेश, उस अंधाधुंध गुस्से को कैसे लगाम दें जो गैर कानूनी और हिंसक ख्यालों को बेलगाम उधम मचाने देता है। भले ही बंदूक का ट्रिगर हाथ की उंगली दबाती हो, पर इरादों का ट्रिगर एक अराजक दिमाग दबाता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।